ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है अपनी गलती को जल्दी पहचानो, नहीं तो वो एक कहानी बन जाएगी। आज की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक मॉन्क था और उसने सोचा, आज मुझे सबसे अलग होकर एकांत में जाकर मुझे मेडिटेशन करना है, और इसलिए वो सबसे दूर होकर वो सोचता है, चलो मैं एक तालाब में जाता हूँ। एक बोट लेता है और तालाब के बीचों बीच उस बोट से वो पहुँच जाता है और उस बोट को तालाब के बीच में खड़ा कर अपनी आंखें बंद करके वो ध्यान करना शुरू करता है। कुछ घंटे उसके ध्यान में बहुत अच्छी तरह से बीत जाते हैं, बहुत शांति उसे महसूस होती है, और अचानक उसे ये एहसास होता है, अरे मेरी बोट को दूसरी कोई बोट धक्का दे रही है। वो तो वैसे ही आंखें बंद रखता है, लेकिन उसका गुस्सा अंदर से और बढ़ता जाता, क्योंकि वो बोट तो धक्का दिए जा रही है। अब वो सोचता है, अभी मैं ना आंखें खोलकर उस बोटमन को बहुत जोर से गुस्सा करूंगा, उस पर चिल्लाऊंगा, और वो अपना ध्यान बंद करके जैसे आंखें खोलता है और चिल्लाने के लिए वो देखता है उस बोट में, तो अरे क्या देखता है, बोट तो खाली है। जो बोट बंधी हुई नहीं थी, बस वो तालाब के बीच में वो बोट आ गई और वो खड़ी है, और वो बोट खाली बोट इनकी बोट को धक्का दे रही है। उसी समय उसे सेल्फ रियलाइज होता है और वो समझ जाता है, मैं तो ध्यान करना चाहता था शांति के लिए, मैं इतना दूर आया हूं कि सबसे अलग होकर शांति में ध्यान करूं, लेकिन गुस्सा तो मेरे भीतर है, मेरे अंदर भरा है। सिर्फ उस गुस्से को उकसाने के लिए, उसे प्रवोक करने के लिए बाहर की कोई एक परिस्थिति चाहिए। इसका मतलब किसी से भी जब हम मिलते हैं और वो कोई हमें इरिटेट करता है तो याद आता है वो सामने वाली व्यक्ति, लेकिन वो सामने वाली व्यक्ति कौन है? एक खाली बोट है, गुस्सा तो मेरे अंदर है। उस मॉन्क ने तो जल्दी पहचान लिया और अपने कमजोर स्वभाव को उसने करेक्ट कर लिया, वो बच गया। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम अपने अंदर की कमी को, अपने अंदर की गलती को पहचानते हैं? क्या हम पहचानते हैं कि मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर गुस्सा है, जेलसी है? या फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी कमी की वकीलात करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं। हम कहते, मैंने इनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, इसका कारण ये है कि ये मेरे मन जैसे नहीं चलते। मैंने गुस्सा क्यों किया, हम उसके कारण देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी थी, इन्होंने मेरे मन के विरुद्ध किया, इन्होंने झूठ बोला, गलत किया, सो मैनी एक्सक्यूजेस। तो मेरा सारा फोकस कहाँ है? मेरा सारा फोकस है दूसरों की कमी पर, उनकी गलतियों पर, और फिर हम उनके जज बन जाते हैं, हम जजमेंट देते हैं, अरे ये तो है ही ऐसे, ये हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, ये हमेशा इस प्रकार से चलते हैं,
मुझे मालूम है ये कभी नहीं सुधरेंगे। सो व्हाट आई डिड, मैंने हमारी गलती, अपनी गलती इसे न पहचानते हुए मैंने दूसरे की गलती पर फोकस किया और मैं उनके बारे में जज बन गई। मैंने जजमेंट देना शुरू किया, अपनी गलती की वकीलात की। रियलाइज नहीं किया, अरे मेरा टोन गलत था, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस गलत थे, मैंने उनका इंसल्ट किया, कई बार मैंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ इंसल्ट। मेरे शब्द गलत थे और इसी कारण से हमारे रिश्ते हमारे से दूर हो गए। और हम जितना जितना अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में देरी लगाते हैं, उतना उतना हमारे रिश्तों के बीच की दूरियां और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और वो प्यारे से रिश्ते हमारे से दूर होकर और किसी के साथ वो हो लिए होते हैं। इसका मतलब मैंने अपने रिश्तों की मित्रता, उनका प्यार, उनका सम्मान, उनका स्नेह, इन सबको पोस्टपोन कर दिया और मैंने लोगों को अवसर दिया कि जो उसकी कहानी उन्होंने बना दी। प्लीज अपनी गलती को जल्दी से पहचानो, चाहे वो ईगो था या गुस्सा, नाराजगी थी या उदासी या न्यूट्रल स्टेज, जो भी है अपनी गलती को जल्दी से पहचानो। प्लीज एडमिट योर मिस्टेक सो फास्ट दैट नो वन गेट्स अ चांस टू एग्जैगरेट इट इनटू अ स्टोरी। और इसलिए अपनी गलती को पहचानने के लिए टेक सपोर्ट। अगर हम खुद अपनी गलती को नहीं पहचान पाते ना, तो सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए, अपने प्रियजन को पूछिए, आपको मेरे में क्या गलती लगती है, मैंने ये जो बिहेव किया उसमें आपको क्या महसूस हुआ। कई बार आपके फैमिली मेंबर्स आपको बता देंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आपको बता देगा, बट प्लीज प्लीज एडमिट योर मिस्टेक सो फास्ट। नहीं तो अपने अच्छे रिश्तों को, अच्छी अपॉर्चुनिटी को, अच्छे लोगों को खो देंगे। और इसलिए अपने अंदर का, खुद को पहचानने का नेत्र सदा क्लियर रखो, सदा साफ रखो। हैप्पी डे।